इसको पहले साफ करते हैं। पहाड़ों खाना बहुत बढ़िया भाई, पहाड़ों खाना बहुत बढ़िया भाई। आजकल खाना भल भले खाना ना ही बीमारी लग रहा है, खादो खान भयो। हमारा पहाड़ों में आला तुम्हें लोग फटाका डुबो का खाओ लो झोली भात। तो दोस्तों ये है भट पापड़, बहुत बढ़िया हो रहा है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार पहाड़। मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि के इन खूबसूरत वादियों से, अपने पहाड़ से, अपने घर से, देवभूमि भ्रमण में। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बाज का और उतीस का जंगल है, और हमारे वहाँ बारह मास पानी बहता है क्योंकि इनकी वजह से, पेड़ों की वजह से। जहाँ पर बाज और उतीस होता है वहाँ पर पानी बारह मास होता है। और मैं घर से जस्ट ऊपर आया हूँ तो मॉर्निंग वॉक के बाद, तो यहाँ पर बहुत अच्छी हरियाली हो रखी है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी और लुट्टे भी लगा दिए हैं वहाँ पर, तो ये पूरी घास काट दी है और पूरा मैदान खाली हो गया है। जिसकी वजह से पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जंगल में बहुत सारी हलचल होने लग गई है, और इतनी भयंकर वाली हलचल होने लग गई है कि डर लगता है अब। और ये बांज का जंगल है, इसके पीछे यहाँ पर भालू भी आता है, वो बांज के उसमें हटेले होते हैं, छोटे छोटे बीज होता है उसका, तो उसको खाने आता है। और मेर, ये मेर है, ये मेर का पेड़ है, तो मेर खाने आता है। तो कल हमें एक खबर भी मिली, हमारे वहाँ पर एक आदमी आते थे सब्जी लेने, सब्जी देने, और यहाँ से भी सब्जी ले जाते थे, वहाँ से भी देने आते थे। उनका नाम भगवान सिंह या भगत सिंह, सॉरी भगत सिंह कोरंगा जी है। तो उनको भालू ने बीच में पकड़ दिया यहीं पर। तो ये जो पहाड़ है इसके पीछे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और इस पहाड़ के अंदर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ है और इस पहाड़ के पीछे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट यहीं पर, तो वो यहाँ की ओर आ रहे थे या कहीं और जा रहे थे, तो वहाँ पर भालू, दो भालू ने अटैक कर दिया उनको। तो वो वीडियो अगर मुझे कहीं से मिली तो आप सभी को वो वीडियो भी दिखाएंगे। और आप सब लोग सचेत भी रहिए, जो भी गाँव में हैं और जो गाँव के आसपास हैं या जंगल के आसपास हैं, हम भी सचेत रहेंगे। बाकी अभी मैं मॉर्निंग वॉक के बाद यहाँ पर आया हूँ, और बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए मौसम, और मौसम आज बहुत खूबसूरत हो रहा है। कहीं कहीं पर बादल है और कहीं कहीं पर धूप। तो दोस्तों काफ़ी समय हो गया है अपनी रसोई से आपके लिए कुछ बना के नहीं लाया, तो आज उसी रसोई से आपके लिए अपने कुमाऊँ की सबसे लोकप्रिय डिश लेके आया हूँ, जिसे भट पापड़ कहते हैं। तो उसकी रेसिपी बना के आप सबको दिखाऊंगा, और प्रयास करना कि आप लोग भी खाएं और खिलाएं, ज़रूर खिलाएं, और आप बने रहें मेरे साथ भट पापड़ खाने के लिए। तो दोस्तों ये है भट, ये देखिए काले हैं इसमें अक्सर, और ये है सिलपट्टा, इसको पहले साफ करते हैं। बाकी काम बुआ कर रही है, और ये डाल दी है इसने, फिर इसको पीसेंगे। देखिए इतने अच्छे हैं ये, तो बढ़िया डुबो नहीं भाई, बहुत बड़ी थोड़ी बढ़ाई हुई दुकान मूखी तुम्हें, बहुत अच्छा भोजन होता है, बहुत अच्छा भोजन। आजकल के जमाने के लोग कहते हैं दाल भात, दाल भात में वो तो ताकत नहीं भाई, जो तू ये ले भाई ने, ना ना नहीं भाई, मैं ताकत है नहीं भाई। तो आप सुन सकते हैं मेरी बुआ अभी 70 क्रॉस कर चुकी है, और ये बता रही कि पुराने ज़माने में अक्सर लोग अपनी रसोई में भटके डुबके, ना ना बड़ा बड़ा ठुल ठुल में ले आ गया, ये भोल माननी भाई सब, और जो भी मेहमान नवाजी इसी से होती थी हमारे घर पर, पहाड़ में मेहमान नवाजी पहले से यही होती थी, जिसके बाद भटके डुबके होंगे वो खिलाएगा। तो मेहमान का सबसे प्रसिद्ध और स्वादिष्ट खाना,
इसी से होता था, बोल रही है स्वागत। पहले जमाने में भटकी दाल, भटकी डूब, झोली भात, यही प्रसिद्ध होता है। आजकल का खाने खाने आजकल बिल्कुल दही दा फही दा उनमें बिल्कुल ताकत नहीं भाई, खाद छिटी भाई उनमें बिल्कुल ताकत नहीं भाई, बीमारी किसम न मान निकल रहे। पहली बेटी एक नार कमजार लागने भाई और कहीं नहीं भाई बीमारी, पहली बे कुछ बीमारी नहीं। तब तो उतना थोड़ी पाथर लूने भाई में उठने भाई है, पहली बार की बीमारी नहीं भाई, कमजार एक नार लगा रखनी भाई है जो नहीं बोले बदगुर बदन मानू नहीं बोले भाई, कोई बीमारी नहीं। खान पीन में तस्से खाए खान पीन में ये भाई पुष्ट खान भाई पुष्ट रिष्ट पुष्ट खान ये में रिष्ट पुष्ट भाई खाने भाई शून ये में ताकत भाई शून अगले खाने भाई ने अब जबान में उठा भाई गरीबी भाई ये खाए कि नहीं खाए तिमुल तिमुल ने खाए लिमोन खाए सब कुछ खाए लिमोन खाए उस जबान में गरीबी संसार में भाई ऊपर आजकल जय बहादुर जी बोलो नौ सेठ बोलो सब भूल गया सब भूल गया भाई पहाड़ कल्चर सब पुराना खान सब भूल गया सब बीमारी तो बीमारी है रे मैं तो कच्ची ड्यूटी आप तो नहीं करा ड्यूटी बात भैया कहने ये बार बार से मैं ये दिन शिकार भयो अच्छा साल एक में शिकार खाने वाले अब हाँ तो जो जब तो पूजी गया जब और शिकार लेता तो विशेष नहीं खाने में तो भाई नहीं मुझे बाद में उसको कौन ना होजी मुझे बाद में यश नहीं गया आज कल जाग जाग बोतल बैठा जाग जाग बड़ी कुकुर पकाट खाना मुर्गी उर्गी सुर्गी सब ऐसे खाना वो भाई यश के नहीं था हमारा पहाड़ों में आला तुम्हें लोग भटका डुबो का खो लो झोली भात इन्हें ही स्वागत करो लो तुम्हें तुम्हें स्वागत ये लो पहाड़ों खान बहुत बढ़िया भय पहाड़ों खानो बहुत बढ़िया भय आजकल खानो भल भले खाना नो ही बीमारी लग रहा है ये खादो खान भयो ये खाद में बहुत ताकत नहीं भाई ये खाद बहुत बीमारी कर ये चीज बहुत पुष्टिल चीज है बहुत पुष्टि चीज हो झुमर भटा डुबू झुमर कौन मानी सब चीज हो भात झोली झुमरो भात झोली झुमर मानी मानी भात है मानी भात मानी भाले होने भैया फिर जो मशीनों मशीनों होता है ना ओए ओए मनीरो भात कड़ी ना का उस होने वाला हूँ क्या बोलो बोल यार नहीं बोलूँ मनीरो भात बहुत बढ़िया नहीं बोलूँ मनीरो भात कौनी भात ने झुमरो भात ले वो कौनी ले वो जो झुमरो जो कोणी जो भटो जो पाले की तो बहुत है पुष्टिक भाग को खानो ए दिन उसमें आई बहुत टीवी में देखो ना भटा डुबू ले देखो ना झुमरो भाले देखो ना चौनो भाले देखो ना झुए भाले देखो ना दाल ले देखो ना टपकी ले देखो ना यो लिंगणो साग ले देखो यो ये हमारे पहाड़ में ऐसा बनता है ऐसे चीज़ खाते हैं आजकल के लोग ऐसे ऐसे चीज़ खाते हैं इससे बीमारी हो रही है ऐसा है वैसा है कौन यो तब से मिले करने हो पर मैं सहयोग है ना करना है मैं तो खुद भी भैंसा जो उनको भैंसा के कहा ये पठा नॉन भैंसा पहाड़ के होने वह पहाड़ के हो तो बड़ी हूँ
देश के उला के ताहा देनी बे पहाड़ के बहुत बड़ी बोल सस्ता मिले जब हमने कोशिश करनी हो पर नहीं कर उन सहयोग ने मिला रहा मैं ऐसे नहीं क्या मेरे कम है चाना मैं वीडियो तो फोन पहाड़ ने देखने इतनी तो भैया तो लाइक तो छू कौन दा कौन कबरे तक कबरे तक अब एक दिन पौन दा चले मिलन से मिल हमारे गांव में लूटा लगा रहे हैं देखो हमारे गांव में ये मेरे पिताजी हैं ये गेहूं में फटावा लगा रहे हैं ये देखो आजकल के जमाने में ऐसा करते हैं पौन पौन ये पौन पहाड़ी पौन पौन ने फट गए तो पौन पहाड़ी फैन छे मतलब तो पछा तो बूथ है सो जो फिर कौन आमा त्यार जबान में की वो आमा पहली बुआ रहा क्या पता थी पहली बुआ रहा 8 रुपए लगाने दूसरा बुआ रहा 6 रुपए लगाने तीसरा बुआ रहा 4 रुपए लगाने केरी रहा बजे रो पड़ो बुढ़ी तो ओए पहली बड़ी नंदीन इतना ना हल्की थी बुध बड़ी आया थे वो इतना ना है कि मैं कुचल झाड़ो सुबह में धरो गजार की थी आजकल देखो दे यो सही भाई तो सही भाई अमा ने यार मणि बोल बाजी पलटन में गया तब तो नहीं चका चाहिए तो ओए पे ओए पे ओए पे कहाँ चाहिए मेरे की दीजिए मेरे ओए पे अमा बा आप उनसे बाद में तमिल की के खा के नहीं भाई मोड़ा रोड भाई फटा डूबू भाई और कब से भूत हुई बात बड़ा टाइमली उन्हें नहीं भाई कब से कहाँ गया कब से कहाँ गया कतु बुध हूँ घा भाई गुपात भाई गोर भाई बाल भाई तो तेरे को बोली फिर कौन पवन या इला पर सुनो पर तेर त्या लीजिए मैं गी ला रही हूँ कि ला रहा था कि गीत होना था कहो हाँ गीत ला रहा था हम क्या कहो तुमसे हमसे मिलने की बहुत है बजे तो गीत हो गई ना जब हाँ बजरा पड़ो त्या भागी मैं ब्याह नहीं थी मैं मिल गई हूँ वो चिंतोर नगरा ना सजा वो चिंतोर नगरा ना भाई वो चिंतोर नगरा छे मेरे ब्याह नहीं तो क्या भागी मैं ब्याह नहीं थी तेरी किस्मत में मैं छू नहीं अच्छा मैं बुनन भी बुटून को दे बाजू अरे बात भी कर पवनदा की भी बात कर रही है पवनदा अगर सुन रहे हैं तो आप जरूर मेरे को लाइक कर देना सहयोग बहुत जरूर करना क्योंकि मैं तुम्हारी पट्टी का कुमराऊं पुंगराऊं घाटी का ही हूँ अब हम तेरे मजार है पूछ जा पर जा स्वर्ग नहीं है उन्ना पूछा हुई जाए आखिर पूछो यार वो आप स्वर्ग नहीं है मीजर शांति ले बिजाई भाई मीजर शांति ले खरी भाई क्यों कोने सब चीज खरी भाई गमे लाग लगाई भाई ये खरी भाई कब तो तेरे को बजू ना कब तो तेरे को आई हूँ कब तो तेरे को नाम पापड़ भाई ये नाम भटर भाई भटर पापड़ भाई दीजिए मिला दी तो दोस्तों ये है भट पापड़ और हमारे कुमाऊं का लोग प्रसिद्ध रसोई का खाना इसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यह है इसकी रेसिपी। अब हम शुरुआत करते हैं और माँ ने ये रोटियां रखी हैं धनिया मिर्ची का अचार और ये भट पापड़ तो ये भट पापड़ है इसके साथ झोली नहीं बना रखी है जब हम भट्टी बनाएंगे तो उसके साथ झोली बनती है भट पापड़ के साथ झोली नहीं बनती है तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं तो खाते हैं बहुत बढ़िया हो रहा है और आप लोग भी ट्राई करें बाकी अभी खाते हैं और मेरी बुआ पवन पहाड़ी जी की बहुत बड़ी फ़ैन है तो यहीं पर रहते हैं सामने मेरे घर से उनका घर दिखाई देता है अगर पौंदा आप लोग पौंदा अगर देख रहे हैं तो पौंदा ज़रूर लाइक कर देना और सपोर्ट करना
और पवन दा के जितने भी फैन हैं वो भी अगर देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, और मैं भी उन्हीं के क्षेत्र का हूँ। तो बाकी अभी खाना खाते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, और आप लोगों को अगर भट पापड़ अच्छा लगा तो ज़रूर घर पर ट्राई करें, और अपनी माँ से या मम्मी लोग देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को खिलाएं, अगर बहनें देख रहे हैं तो अपने भाई और पूरे परिवार को खिलाएं, बाकी अगर भाई लोग देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। तो बाकी अगर आप लोगों को मेरा भट पापड़ वाला रेसिपी अच्छा लगा तो मैं भट की फिर से एक और डिश लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय, और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।